गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैजिक विंडो, यानी जादुई खिड़की. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज लिटिल बॉय हु बिकम वेरी इल. एक समय की बात है, एक छोटा लड़का रहता है और वो बहुत बीमार हो जाता है. ही हैव टू स्पेंड ऑल डे इन बेड. He was unable to move. The other children were not allowed to come near him. Underline the word allowed. और वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसे अपना सारा दिन बिस्तर में ही बिताना पड़ता था और वो चल फिर भी नहीं पाता था. बाकी के जो बच्चे थे उन्हें इसके पास आने से मना किया गया था, मतलब वो भी इसके पास नहीं आ पाते थे. ही स्पेंड हिज डेज फीलिंग सैड. वो पूरा दिन अपना उदास रह करके बिताता था. वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. अंडरलाइन द वर्ड हैपेंड. और एक दिन एक बड़ा ही रोचक और आश्चर्यजनक चीज़ हो घटना घटती है. अ पेंगुइन ईटिंग अ सैंडविच स्क्वीज्ड इन थ्रू द ओपन विंडो सेड गुड आफ्टरनून टू द बॉय एंड लेफ्ट. अंडरलाइन द वर्ड स्क्वीज्ड. और उस दिन होता क्या है, उस खिड़की पे एक पेंगुइन जो है वो दिखती है सैंडविच खाते हुए. उसके बाद वो उस खिड़की खुले खिड़की से उसे लड़के को गुड आफ्टरनून विश करती है और फिर वो चली जाती है. द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज्ड एज ही वॉज थिंकिंग वट हैपेंड. ही सॉ अ मंकी इन अ नैपी बिजी ब्लोइंग अप अ बलून, अ कैट प्लेइंग अ गिटार, an elephant jumping on a ball, a dog wearing a pair of glasses and reading a newspaper. और जब वो ये चीज़ देख करके, पेंगुइन को देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित रहता है, तभी उसके जब वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने कुछ और चीज़ें होती हैं. वो एक बंदर को बलून फुलाते हुए देखता है, बिल्ली को गिटार बजाते हुए देखता है, एलिफेंट को यानी हाथी को गेंद पे कूदते हुए देखता है और एक कुत्ते को देखता है जो कि चश्मा पहन करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है. सीइंग ऑल दीज थिंग्स द बॉय बर्स्ट आउट लाफिंग. ये सारी चीज़ें देख करके जो लड़का रहता है वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड ही वॉज एबल टू गो बैक टू स्कूल अगेन. अंडरलाइन द वर्ड इम्प्रूव्ड. फिर धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सेहत जो है वो सुधरने लगती है और अब वह वापस से स्कूल जाने लगता है. ही वेंट टू स्कूल एंड टोल्ड देम ऑल द स्ट्रेंज थिंग ही हैड सीन. व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड ही सॉ समथिंग कमिंग आउट ऑफ हिज सॉरी ऑफ दिस फ्रेंड्स बैग. इनसाइड द बैग वर ऑल द फैंसी ड्रेस सूट. और जब वो स्कूल जाता है तो इसके उसके साथ जो ये सारी घटनाएं हुई रहती हैं वो इन घटनाओं को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता है. और जब वो ये सारी चीज़ें उन्हें बता रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बैग से कुछ चीज़ें बाहर निकली हुई हैं और वो जब निकाल के देखता है तो वो सारी फैंसी ड्रेसेस रहती हैं. हिज बेस्ट फ्रेंड टोल्ड दैट ही हैड यूज्ड दीज ड्रेस टू चीयर द लिटिल बॉय अप. द बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ प्रॉमिस्ड टू बी फ्रेंड इन फ्यूचर एंड हेल्प देम इन देयर नीड्स. तो फिर उसका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है वो उसे बताता है कि किस तरीके से उसने इन सारे फैंसी ड्रेसेस का इस्तेमाल किया है उस लड़के को खुश करने के लिए. और उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं. वो पहले भी दोस्त अच्छे रहते हैं, मतलब अभी फिर से वो प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी वो भविष्य में भी एक दूसरे की मदद करेंगे जब एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे. सो दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. ए इज टिक द करेक्ट आंसर्स. अ पेंगुइन वॉज ईटिंग अ डैश सैंडविच फ्रूट और कैरेट. आंसर इज सैंडविच. नंबर 2 अ मंकी वॉज ब्लूमिंग अप अ डैश. ऑप्शंस आर बॉल, बलून और ट्यूब. आंसर इज बलून. अ डैश वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस. ऑप्शंस आर डॉग, कैट और लॉयन. योर आंसर इज डॉग. अ कैट प्लेड अ डैश. ऑप्शंस आर वायोलिन, गिटार और तबला. योर आंसर इज गिटार. Fill in the blanks. Number 1. The boy had to spend all day in dash. Answer is bed. The other children were not dash to come dash him.
Answer is allowed to come near him. Number 3. A dash eating a dash squeezed in through the open window. Answer is a penguin eating a sandwich. Number 4. The boy told his friends all the dash things he had seen. Answer is strange. Now write true or false. Number 1. The boy fractured his leg. Answer is false. A crow came and sat on his window. On the window. It is false. Number 3. A dog was wearing a pair of glasses. True. There were fancy dresses inside the bag. True. His best friend used these dresses to make him sad. Answer is false. That's all for today. Thank you very much.